वेलकम टू माई चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। आज की पेंटिंग को मैं वाइट कपड़े पर कर रही हूँ। पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमने फ्लावर को कपड़े के ऊपर ट्रेस करना है और हम वुडन फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं कपड़े को टाइट करने के लिए, जिससे पेंटिंग और भी अच्छी हो जाती है। पेंटिंग को स्टार्ट किया है फ्लावर्स के साथ और फ्लावर्स में मैंने फ्लैश टिंट कलर और रेड कलर का यूज़ किया है। जो ब्रश यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वो फ्लैट ब्रश विद साइज 0 है। यहाँ पर जो मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें कलर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और फ्लावर की बाउंड्रीज को अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने सेम ब्रश के ऊपर थोड़ा सा रेड कलर लिया है और उसको फ्रेश टिंट कलर में ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमने कलर्स को ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो हमारी कलर्स की ब्लेंडिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और हमारी पेंटिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। इस पेंटिंग को करते टाइम जिन भी ब्रशेस और कलर्स का यूज़ हुआ है उन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से सारी डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोट करोगे कि मैंने हर फ्लावर में शेडिंग को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रखा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने फ्लैश टिंट कलर को फ्लावर में कम्प्लीटली फिल नहीं किया है और कुछ स्पेसेस को एम्प्टी रख दिया है। वहाँ पर अभी मैंने रेड कलर से उसको शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और दोनों कलर्स को एक दूसरे में ब्लेंड किया है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लैश टिंट कलर भी अभी पूरी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरी ब्लेंडिंग बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ब्रश के ऊपर बहुत सारा कलर आ गया है वहाँ पर आप उस ब्रश को कपड़े के साथ साफ भी कर सकते हैं। फ्लावर्स को सुंदर दिखाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने फ्लैश टिंट कलर को फ्लावर के सेंटर से भी स्टार्ट किया है और फ्लावर की बाउंड्री से भी हर पेटल में शेडिंग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने डिफर कर दिया है और जब हम इसकी शेडिंग देते हैं तो वो चीज़ हमको बहुत सुंदर दिखाई देती है। पेंटिंग करते टाइम हमने कई बातों को नोट करना होता है, जैसे कि जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं पेंटिंग में उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कलर्स हमारे थिक एंड हार्ड हैं या फिर बहुत ज़्यादा थिन है और उनका कंसिस्टेंसी पानी जैसा है। ये दोनों चीज़ें हमारी पेंटिंग को ख़राब भी कर सकती हैं, क्योंकि जब हमारे कलर्स यहाँ पर थिक एंड हार्ड होंगे तो जब कलर्स ड्राई हो जाएंगे तो उनमें एक कड़कपन आ जाता है जब उन कपड़ों को हम हाथ लगा कर देखते हैं, और अगर हमारे कलर्स की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन है तो वो कलर्स कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से खिलकर नहीं आते और हमारी पेंटिंग को बेकार कर देते हैं। इसलिए पेंटिंग करते टाइम हमने कलर्स की कंसिस्टेंसी को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कलर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए हमें मीडियम का यूज़ करना चाहिए और हम यहाँ पर थोड़े से पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर मीडियम और पानी में डिफरेंस क्या हुआ। मीडियम जो होता है वो कलर को लॉन्ग लास्टिंग रखता है और कलर्स काफ़ी लंबे टाइम तक फेड नहीं होते, और जो पानी होता है उनमें कई बार देखा गया है कि कलर्स कुछ टाइम के बाद फेड होने लग जाते हैं अगर हम उसके ऊपर हार्श केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो। बट ये आपकी चॉइस होगी कि आप कलर्स में मीडियम यूज़ करना चाहते हैं या फिर पानी को। शेडिंग देते टाइम बिगनर्स की गलतियां क्या होती हैं, वो कलर्स को ज़्यादा ड्राई होने देते हैं, ब्लेंडिंग इम्प्रॉपर करते हैं,
ब्रश को कपड़े के साथ क्लीन नहीं करते, रॉन्ग ब्रशेस का यूज़ करते हैं, हैवी अमाउंट में कलर्स को यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के टाइम, या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। इन गलतियों को आपने भी नोट करना है। और जब हम शेडिंग देते हैं तो सबसे पहले हमको पेशेंस रखनी है, कलर्स को अपने आप उनको ब्लेंड होने दिए और वो ज़्यादा ड्राई नहीं होने चाहिए। आपके लिए डेली वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। आपको इन वीडियोस में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, और जो डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आती हूँ वो आप कपड़े पर हैवी भी बना सकते हैं और लाइट डिज़ाइंस को भी। आप इन डिज़ाइंस को किसी भी कपड़े के ऊपर पेंट कर सकते हैं, जैसे कि किसी सूट के ऊपर, फ्रॉक के ऊपर, किसी कुर्ते के ऊपर, और किसी भी जगह पर जहाँ पे आपको पेंटिंग करनी है, क्योंकि इन सब में जो फैब्रिक कलर्स या एक्रेलिक कलर्स का यूज़ हुआ है वो स्पेशली कपड़ों के लिए ही होते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिनमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं, जहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को बताया है। ऐसी ही एक कैटेगरी रखी है बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग के लिए, जो बिगनर्स के लिए है स्पेशली। इनमें मैंने बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ स्टार्टिंग में बताया है, तो आप उन प्लेलिस्ट को जाकर भी देख सकते हैं। बिगनर्स के लिए एक टिप है कि जहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ उधर आप राउंड ब्रश का यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरा हाथ तो काफ़ी ज़्यादा हर ब्रश के ऊपर स्मूथली वर्क करता है, बट आपको एक बार हाथ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इधर राउंड ब्रश का यूज़ कीजिए। फ्लावर्स को अच्छी तरह से शेडिंग देने के बाद अभी हम लीव्स को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। लीव्स को पेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रश को चेंज किया है। अभी मैंने राउंड ब्रश विद 00 वाला साइज लिया है। लीव्स के सभी स्ट्रक्चर्स में मैंने एक ही कलर का यूज़ किया है। लीव्स को पेंट करते टाइम जो भी हमने कलर लिया है उसको हमने लीव्स की बाउंड्री से स्टार्ट करना है। पहले उस कलर से लीव को बाउंड्री देनी है और फिर हमने उसके इनर पार्ट में कलर को अच्छी तरह से फिल करना है। इस वे से हमारी लीफ का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर दिखाई देगा। फ्लावर्स में जो छोटी छोटी डिटेलिंग दी जाती है वो भी फ्लावर को सुंदर बनाने में हेल्प करती है। अभी हम डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। डिटेलिंग के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्रश को चेंज किया है, क्योंकि मैंने काफ़ी बारीकी से लाइंस को पेंट करना है। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश विथ 000 साइज वाला ब्रश लिया है। इस पेंटिंग में जो मैंने डिटेलिंग दी है, सबसे पहले मैंने फ्लावर की पेटल्स से स्टार्ट की है, और यहाँ पर मैं सेम कलर का ही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले रेड कलर शेडिंग के लिए यूज़ किया था।
इस पेंटिंग में फ्लावर के सेंटर्स को मैंने डिटेलिंग दी है डार्क ग्रीन कलर से। यहाँ पर भी मैंने राउंड ब्रश विथ ट्रिपल साइज का यूज़ किया है। अगर आप भी ऐसी पेंटिंग करते तो किन कलर्स का यूज़ करते? सेम कलर्स यूज़ करते या फिर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आते? तो उन कलर्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे कोई कलर अच्छा लगा या किसी कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पेंटिंग में उसको यूज़ करूँगी। इस पेंटिंग में मैंने फ्लावर्स को बहुत सुंदर सी एंडिंग दी है। मैंने यहाँ पर येलो कलर का यूज़ किया है और येलो कलर से मैंने फ्लावर में डॉट्स को अप्लाई किया है और इससे हमारा फ्लावर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लर्निंग रही है। अगर ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर डेली की वीडियोस देख सकते हैं, जिनके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। डेली की वीडियोस में आपको इससे भी क्रेजी एंड क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिसको आप किसी भी कपड़े पर यूज़ कर सकते हैं। इस पेंटिंग को करते टाइम फ्लावर्स में तो अच्छी खासी डिटेलिंग हो गई है, बट लीव्स में मैंने कुछ खास नहीं किया है और वो बहुत सिंपल से हैं, तो इसलिए मैंने उनमें डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। यहाँ पर लीव्स को डार्क ग्रीन कलर से एंडिंग देने के नेक्स्ट हमारी यहाँ पर पेंटिंग होती है कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज की पेंटिंग आपको कैसी लगी, और ऐसी पेंटिंग्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को देख कर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। Till then, thank you for watching my video.